वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आप लोगों ने पिज्जा की रेसिपी हमेशा से ही पसंद की है, ब्रेड पिज्जा वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज आपकी रही है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल पिज्जा, हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, जिसमें कि आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, चाहे तो आप तवे में बना लीजिए, चाहे आप इसको ओवन में बना लीजिए। तो मैं आपको फटाफट डायरेक्ट कर देती हूँ कैसे बनाएंगे ये पिज्जा। यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 3 बड़ी हरी मिर्च, 1 बड़ी कटी हुई प्याज, 1 बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर, ये मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो हर्ब्स में वो डाल सकते हैं। तो प्यूरी मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है नॉर्मल मैगी की टोमेटो केचप हॉट एंड स्वीट, मेरे पास है हाइंस की टोमेटो केचप जो कि है चिली केचप, मेरे पास यहाँ पर है अमूल मोजरेला चीज़ जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है अराउंड 50 ग्राम्स, ये है पिज़्ज़ा बेस, और मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। एक कढ़ाई में आप 2 बड़े टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लें, उसे गर्म कर दें और फिर उसमें डालें हरी मिर्ची। अस सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई आउट कर लें। टाइम टू ऐड शिमला मिर्च, टाइम टू ऐड टमेटोज, स्टर वेल। जब तक कि टमेटोज अच्छे से मैश ना हो जाए, प्योरे चिली सॉस, मैगी सॉस, जाएगा ऑरिगेनो की सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, ये सब चीज़ों को, और अब इनको कुक कर लें अगले 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक सारी चीज़ें अच्छे से, सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। रेडी करी हुई टॉपिंग सॉस को फटाफट पिज्ज़ा बेस पर लगाएंगे। ये रहा रेडीमेड पिज्ज़ा बेस, टोमेटो केचप डालें, स्प्रेड कर दें। अब जो आपने टॉपिंग बनाई है वो भी स्प्रेड कर दें, इसके ऊपर डालें खूब सारा मोजरेला चीज़, फिर से डालें ऑरिगेनो का सीजनिंग। पिज़्ज़ा या तो जाएगा आपके तवे के ऊपर, तवे के ऊपर आप इसको रख दें गरम तवे के ऊपर और इस पिज़्ज़ा को ढक दें 5 मिनट के लिए, या फिर ये जाएगा सीधा ओवन में। रह गया मेरे ओवन में 6 से 7 मिनट के लिए, इसको बेक पर 170 डिग्री सेल्सियस पर मैं बेक करने वाली हूँ। आपके पास ओवन नहीं है तो आप सिंपल तवे में, आप मेरी तवा पिज्ज़ा वीडियो देख सकते हैं। एंड हियर यू गो, मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और उनके लिए पिज़्ज़ा मैंने रेडी किया, आप देख सकते हैं। सेम पिज़्ज़ा आप तवा पे भी बना सकते हैं, प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो ऊपर लिंक में आ रही है। आई होप आपको ये ईजी टू मेक वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फॉर नाउ।